तो दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ डिज़ाइन में, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ डिज़ाइन में। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो अपन स्लैब कास्टिंग करते हैं उससे पहले जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसके जो तरह से तैयार करते हैं, मैं आपको आज ऑन साइट प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से इस सांचे को बनाया जाता है, किस तरह से नहीं। जैसे कि आपको चारों तरफ दिख रहा होगा, गाइज उधर देखना, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लेट कुछ अप्रोक्स कंप्लीट होने वाली है, ये यहाँ से वहाँ तक जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर कि वहाँ से वर्कर लगे हुए हैं अपने, तो वर्कर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, किस तरह से वो शटरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं, और हम उनसे बात भी कराएंगे किस हिसाब से ये होता है। क्योंकि गाइज जब भी स्लैब कास्टिंग होती है, छत की ढलाई होती है, तो सबसे पहले अपन क्या होता है कि शटरिंग की जाती है। शटरिंग मीन्स ये जो फर्नीचर के प्लाईबोर्ड है और ये यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, मतलब कंक्रीट की एक मोल्ड बनाया जाता है कंक्रीट को डालने के लिए। तो कंक्रीट को किस तरह से इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद में वो रेडी होके इसको 28-28 डेज के बाद में इसको उठा दिया जाता है। तो गाइज आइए अब मैं वर्कर के पास ले चलता हूँ आपको, तो किस तरह से, तो जैसे ये जो सांचा है ये बीम है, अब इसमें बीम बनाया जाएगा, फिर उसके बाद में इसको कंक्रीट से फिल कर दिया जाएगा, कंक्रीट से भर दिया जाएगा, फिर ये रेनफोर्समेंट इसमें मजबूत हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये पूरा, ये जितना भी है, तो दोस्तों इधर देख सकते हो अपने वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये वर्कर शटरिंग वाले हैं, इस तरह से ये जो प्लाईबोर्ड है इनको इंस्टॉल किया जा रहा है। तो अभी नीचे जो बल्ली है जिसको प्लाईबोर्ड से कनेक्ट करके इसको एक टेम्परेरी रूप से छत बनाई जा रही है, इस तरह से ये लेवल में ले रहे हैं। ये इनको सपोर्ट, ये जो बल्ली, जो वर्टिकल बल्लीज हैं, ये सपोर्ट प्रदान करती हैं इनको। फिर इसका एक तरह से मोल्ड बनाया जाता है, मोल्ड बनाने के बाद जिस दिन ये स्लैब कास्टिंग होगी कंक्रीट डाला जाता है, कंक्रीट कुछ दिन बाद में सेट होने के बाद ये 28 डेज के बाद इसको एक एक करके और इसको हटाया जाता है। अभी देखो इस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा इनको, आइए अपन अब वर्कर से पूछते हैं कुछ। लो सर, आपको कितना टाइम हो गया इसमें वर्क करते हुए, शटरिंग लगाते हुए? 15 साल हो गई। 15 साल हो गई आपको? अच्छा 15 साल हो गई, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसका, मतलब पूरा एक्सपीरियंस है? पूरा एक्सपीरियंस है। तो आप मेरे को बता सकते हो ये किस हिसाब से लगाए जाते हैं, किस हिसाब से नहीं? आप पहले जैसे स्टार्टिंग करते होंगे तो किस हिसाब से स्टार्ट करते हैं उसको? आपको ड्राइंग दी जाती है इसकी या फिर अपने हिसाब से? ड्राइंग के हिसाब से काम करते हैं हम। ड्राइंग के हिसाब से काम करते हो ना शटरिंग का? अच्छा, तो इसके अंदर किस रेट में, क्या रेट में, इस जो एरिया की रेट है अभी शटरिंग की, आपकी क्या रेट है अभी फिलहाल? 50 रुपये फुट है। 50 रुपये फुट, मतलब 50 रुपये स्क्वायर फीट में करते हो आप ये, है ना? जब में करते हो आप, लंबाई चौड़ाई लगी जाती है इसकी। अच्छा लंबाई चौड़ाई लगी जाती है। हाँ जी। अपने पास एक वर्कर और आ गए हैं, तो आप शटरिंग का काम करते हो कितना टाइम हो गया आपको? 3 साल। 3 साल हो गए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फिर आपको। अच्छा, सारा नॉलेज है शटरिंग का। हाँ। तो शटरिंग कितने प्रकार की होती है, जैसे अभी ये कर रहे हो, ये प्लाई वाली है? ये प्लाई वाली है। अच्छा, फंडे में भी आती है, चादर की भी आती है, चादर की भी आती है, और वो लोहे वाली आयरन प्लेट, प्लेट भी आती है। आती है ना। तो ये जब स्टार्ट होता है आप ड्राइंग के हिसाब से करते हो सारा? ड्राइंग के हिसाब से।
अच्छा ड्रॉइंग तो ड्रॉइंग, और अगर कोई मन से बना तो मन से। तो किस हिसाब से करते हो इसको, लगाते किस हिसाब से, स्टार्टिंग कैसे करते हो इसके? स्टार्टिंग क्यों कैसे? शटरिंग की स्टार्टिंग, या नाप आप लेके कितनी हाइट पे है वो फिर ड्रॉइंग के हिसाब से करते हो आप? वो तो ड्रॉइंग के हिसाब से होगा, जितने वो लंबाई तो रहेगा इंजीनियर। अच्छा, तो अभी ये जो कर रहे हो आप प्लाई के अकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ। ये आपकी प्लाई शटरिंग है? हाँ। तो इसकी क्या रेट लेते हो आप इसकी? ₹50-60 स्क्वायर फुट। मतलब आप कम भी कर सकते हो? हाँ। जैसे एरिया ज्यादा हो तो कम कर सकते हो? एरिया नहीं, दूरी हिसाब से हो तो। हाँ, दूरी मतलब एरिया जितना भी है। ये भी दूरी है पर हम गांव से भी दूरी है ना फिर। अच्छा अच्छा, ट्रांसपोर्ट का लग जाता है ना खर्चा वर्चा इसके अकॉर्डिंग, है ना? तो अच्छा, तो ये ₹50 या ₹60 ये ज्यादा हो तो कम भी हो जाए, छोटा एरिया तो आप ज्यादा लेते हो। हाँ हाँ, छोटा ज्यादा पड़ता है ना, मार्जिन पता नहीं है ना उसमें। तो आप ये कब तक कंप्लीट कर देते हो? मतलब 14 तारीख की बनाई इसकी। कितनी? 14 तारीख की बनाई है। तो उससे पहले जो भी लोहा बंधाई आपकी होती है? हमारी, सब कुछ हमारी। अच्छा, चलो थैंक यू सो मच। और आपको कैसा लगा? अच्छा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच। एक बार ये पूछ रहा था आपको कि अपने जो ये प्लाईबोर्ड वाली शटरिंग होती है, एक प्लेट वाली शटरिंग होती है और एक वो पट्टी वाली शटरिंग होती है। हाँ जी। तो इसमें महंगी बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन सी पड़ती है? बेस्ट यानी कि प्लेट वाली। उसमें एकदम प्लास्टर करने की जरूरत ही नहीं है नीचे? प्लाई में भी प्लास्टर की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसके बाद में ये इसमें डालोगे तो कुछ ऑयल तो डालोगे ना इसके ऊपर? इसमें डीजल लगाएंगे। डीजल लगाएंगे इसके चारों तरफ? हाँ, मतलब पूरी छत पर? पूरी छत पर डीजल का छिड़काव कर देंगे जो प्लाई चिपकेगी भी नहीं। अच्छा, और प्लाई थोड़ी हमारे लिए मतलब कुछ दिन बाद में इनको हटाओगे तो आराम से हट जाएगी? आराम से हट जाएगी और हमारे को भी फायदा होता है। आपको भी फायदा होगा, सही बात है। प्लाई को भी नुकसान नहीं होगा और जो कंक्रीट डलेगा उसको भी नुकसान नहीं होगा, उसको भी नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और गाइज कमेंट के जरिए बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और गाइज आप भी अपनी एरिया की रेट बताइए जैसे मैंने मेरी रेट बताई है। और आपको कैसे भी इंक्वायरी की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। स्टील से रिलेटेड, ट्रिक्स मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड आप किसी भी क्यूरी के लिए जा सकते हैं कमेंट पर, और कमेंट करके बताइए। और मेरा जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, और जितना मुझे आई होप मैं जितना कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। और प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। आप यदि सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लेकर आया करूँगा। और थैंक यू, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वेब डिजाइन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।